जो जो सेंटर पर वैक्सीन दिए जा रहे थे वहाँ भी बहुत जगह बंद कर दिया गया है। अभी तक मात्र 78 लाख लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं बिहार में। 44-45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा था वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। इस धीमी और सुस्त रफ्तार से वैक्सीनेशन का कार्य होगा तो काफ़ी समय लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार वैक्सीनेट करे बिहार में। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो 1 मई से शुरू होने वाली थी वो 9 दिन बाद यानी कि आज से शुरू हो रही है। और अब इसी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने डबल इंजन की सरकार पर हमला किया है। मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर से कहा है कि इस वक्त बिहार की जनता को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने की जरूरत है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ कि कई सेंटर जहां पर वैक्सीनेशन किया जाता था वे सभी सेंटर भी ठप पड़ गए हैं। ऐसे में डबल इंजन की सरकार आखिर कर क्या रही है? इसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि इस वक्त डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। डबल इंजन की सरकार को जवाब देना होगा इस बात का। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से नहीं हुई तो इसका खामियाजा बिहार की जनता को ही भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश सरकार को बिहार की जनता को जवाब देना होगा। क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी ने, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। बिहार में आज से 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो रहा है। पहले 1 मई से होना था, अब 9 दिन के बाद आज से शुरू हो रहा है। लेकिन इसके पहले भी जिस तरह से धीमी रफ्तार है वैक्सीनेशन का बिहार में, जो जो सेंटर पर वैक्सीन दिए जा रहे थे वहाँ भी बहुत जगह बंद कर दिया गया है। अभी तक मात्र 78 लाख लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं बिहार में। 44-45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा था वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। इस धीमी और सुस्त रफ्तार से वैक्सीनेशन का कार्य होगा तो काफ़ी समय लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार वैक्सीनेट करे बिहार में। डबल इंजन की सरकार में क्या फ़ायदा हो रहा है बिहार की जनता को? क्यों मात्र 78 लाख लोग ही अभी तक वैक्सीनेट हो पाए हैं? इसका जवाब तो डबल इंजन की सरकार को देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, इस रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन का कार्य होता रहा तो काफ़ी पीछे छूट जाएगा बिहार और इसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा।